नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन. ओके सो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग है कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स का सम, जो वेरिएट्स आपस में इंडिपेंडेंट हों वो भी हमेशा ये गामा वेरिएट ही होता है. ठीक है, अगर हम मोर इलेबोरेटली बोलें तो सपोज कर लेते हैं कि हम एक्स आई वेयर आई कैन बी 1 to 100 up to k, ये सभी इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स हैं. ठीक है ना, k तक. ओके अब हर एक का पैरामीटर क्या है हमारे पास, लैम्डा आई. ओके रिस्पेक्टिवली मीन्स यहाँ पर जो आई होगा यहाँ पर भी वही होगा, मीन्स एक्स वन के लिए उसका पैरामीटर क्या होगा, लैम्डा वन. ठीक है ना, सपोज हमने ये तो गामा वेरिएट्स मान लिए, उसके पैरामीटर्स मान लिए. अब हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर हम उन सभी वेरिएट्स का सम करें, दैट इज़ अगर हम सबमिशंस करें उन सभी वेरिएट्स की, तो वो भी हमेशा ये गामा वेरिएट ही बनेगा, जिसका पैरामीटर क्या होगा, उन सभी गामा वेरिएट्स के पैरामीटर्स का सबमिशन. ठीक है ना, अब हम इसका प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, चलिए देखते हैं. सो अब है हमारे पास प्रूफ. ठीक है, ओके सो अब हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गामा वेरिएट का, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 - t^-λ. ठीक है ना, बट अब हम यहाँ पर जो वेरिएट ले रहे हैं वो एक्स आई ले रहे हैं, इसलिए उसका पैरामीटर भी लैम्डा ही होगा. ठीक है, ये तो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ले लिया. अब देखिए हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है बहुत सारे, मीन्स x1 + x2 + x3 + so on up to xk तक के गामा वेरिएट्स के सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है हमें. ठीक है ना, तो अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी को जानते ही हैं कि अगर वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हों तो फिर उनका सम हो रहा हो, ओके उनका जो फिर जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ईच वेरिएट. ठीक है ना, सो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ x2. ओके यहाँ पर टी तो लगेगा ही साथ में, प्रोडक्ट ऑफ x3 t, सो बी तो ऑन अप टू प्रोडक्ट ऑफ वन जनरेटिंग फंक्शन ऑफ xk. ठीक है ना, टी. ओके अब आ गया, हम जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. हमने यहाँ पर ही निकाला था कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ किसी भी गामा वेरिएट एक्स आई का ये होगा, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है. यहाँ पर आई क्या है, 1, सो हमारे पास आ जाएगा 1 - t^-λ1. यहाँ पर x क्या है, 1 - यहाँ पर 2 है ना x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - t^λ के नीचे 2. साथ में यहाँ पर x क्या है, 3, सो यहाँ पर भी i की जगह पर 3 लग जाएगा, 1 - t^-λ3, सो ऑन अप टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, जब x की वैल्यू k है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, 1 - t^-λ. अब ध्यान से देखिए, बेस तो सभी सेम है, ये बेस सभी बेसिस सेम हैं, पावर एड अप हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा -λ1 - λ2 - λ3. ठीक है ना, सो ऑन अप टू -λ. माइनस हमने अगर सभी में से कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ जाएगा 1 - t माइनस कॉमन निकाला λ1 + λ2 + λ3 प्लस सोन अप टू λk. अब हम इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सिंगल गामा वेरिएट का हमेशा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 - t. यहाँ पर भी आ गया 1 - t, उसकी पावर क्या होती है, जो उसका पैरामीटर होता है, माइनस में जो उसका पैरामीटर होता है. अब देखिए ध्यान से, इसका माइनस तो आ गया, ओके ये चीज़ मीन्स इसकी क्या है, पैरामीटर है, ये किसका पैरामीटर है, ध्यान से देखिए, ये किसका पैरामीटर होता है जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने निकाला है, ये किसका पैरामीटर है जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने निकाला है. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने निकाला था सम ऑफ एक्स के गामा वेरिएट्स का, सो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारा सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to k xi, हमने इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला था, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है जिसका पैरामीटर हमारे पास क्या है, ये सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to k ऑफ लैम्डा आई. ठीक है ना, ये है आंसर. अब देखिए हमारे पास ना एक छोटा सा रिमार्क भी है इसका,
रिमार्क क्या बोलता है, रिमार्क में हम कह सकते हैं रिमार्क मीन्स सपोज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम इन सभी एक्सिस के साथ ए ए ए कॉन्स्टेंट्स को अटैच कर दें, ए आई मीन्स अगर यहाँ पर एक्स वन है तो यहाँ पर ए वन होगा, यहाँ पर ए टू होगा, देखिए यहाँ पर ए वन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ए टू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ए थ्री मल्टीप्लाई होगा, ये सभी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ध्यान से देखिए यहाँ पर भी मूवमेंट जेनरेटिंग फंक्शंस में यहाँ पर ए वन आ जाएगा, यहाँ पर ए टू आ जाएगा, यहाँ पर ए थ्री आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वन माइनस टी लैम्डा वन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए वन, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा ए टू, यहाँ पर आ जाएगा ए थ्री, ओके, इस वाले टी के साथ भी ए के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिर यहाँ पर भी ए, अब इसका हमारे पास एक छोटा सा रिमार्क भी है, देखिए हमने ऊपर तक ये पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये मार्क में ये कहता है कि अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एक्स आई है उसके पैरामीटर्स, वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग तो करता ही है, उसके पैरामीटर्स लैम्डा आई तो है ही, साथ में अगर ए बी हो, ठीक है ना, उसका पैरामीटर साथ में क्या हो, ए बी हो, दो पैरामीटर्स हो अगर उसके, तो फिर भी अगर हम सबमिशन करें आई इज़ इक्वल टू वन टू के, ठीक है ना, ऑफ दीज ऑल गामा वेरिएट्स की, तो वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा विद पैरामीटर ए, एंड सबमिशन आई इज़ इक्वल टू वन टू के लैम्डा आई।